साथियों आदाब, आपका इस्तकबाल हमारे चैनल शमाए उर्दू हिंदी में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सोशल साइंस NIOS क्लास 10 213 सबक नंबर 2। तो पहला सवाल है, रोमी सल्तनत के जवाल के बाद क्या तब्दीलियाँ आईं, यानी उसके बाद जब रोमी सल्तनत ख़त्म हो गई, जवाल हो गया, तो क्या चेंजेस आएँ, क्या बदलाव आए, क्या क्या अलग अलग नई नई चीज़ें आई। तो इसका जवाब है, रोमी सल्तनत मगरबी और मशरक़ी इलाकों में तकसीम थी, यानी मगरब में थी और मशरक़ में, ईस्ट एंड वेस्ट, इंडिया इज़ द वेस्ट। रोमी मगरबी सूबों को दारुल हुकूमत था, रोमी मगरबी सूबों का क्या था, दारुल हुकूमत, यानी राजधानी थी, कैपिटल थी, कहाँ की, मगरबी सूबों की। कौन थी, रोमी सल्तनत, रोम जो था वो मगरबी सूबों का क्या था, दारुल हुकूमत, जितने भी मगरबी सूबे थे यानी जो स्टेट थे उन सब का क्या था, वो कैपिटल था, समझ गए, उन सब का क्या था, वो कैपिटल। ठीक है, जबकि कुस्तुनतुनिया मशरिकी सूबों का दारुल हुकूमत बना, और जो कुस्तुनतुनिया था वो मगरबी सूबों का दारुल हुकूमत बना। रोमिन शहंशाह कुस्तुनतुनिया कुस्तुनतुन ने 230 ईस्वी में यूनानी शहर बाजंतीनी में मशरिकी इलाकों का नया दारुल हुकूमत कायम किया। ठीक है, नया दारुल का दारुल हुकूमत का नाम उसके नाम पर कुस्तुनतुनिया रखा गया, कुस्तुनतुन ने इसको करा था। ठीक है, मगरबी हिस्से में सल्तनत के जवाल के तकरीबन 1000 साल बाद रोमी सल्तनत मशरिकी हिस्से में कायम हुई। पहले किस में थी भाई, पहले जो इसके सूबे थे वो मगरबी थे, फिर उसके बाद मशरक में हुए। ये मशरक़ी रोमन सल्तनत या बाजंतीनी सल्तनत के नाम से मशहूर हुआ। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा क्या कहना चाह रहा हूँ। अगला सवाल है, सवाल नंबर 2, इस्लाम की बुनियादी तालीमात पर बहस करें, यानी इस्लाम जो है उसकी बुनियादी तालीमात क्या हैं, क्या बुनियादी तालीमात है जिन पे अमल करके एक अच्छा मुसलमान बना जा सकता है, एक अच्छा इस्लाम को कायम किया जा सकता है। तो सबसे पहला है कि इस्लाम का मतलब खुदा के सामने मुकम्मल हथियार डालना, मतलब खुदा के सामने सरेंडर कर देना, उसकी हर बात मानना, उसके हर हुक्म का पालन करना, उसके हर हुक्म को फॉलो करना। इस्लाम के मुताबिक खुदा एक है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब आखिरी और अजीम तरीन नबी हैं, लास्ट पैगंबर हैं। ठीक है, एक मुकद्दस ज़िंदगी गुजारना इस्लाम की तालीमात का एक अहम जौहर है। अगर आप एक अच्छी ज़िंदगी गुजारते हैं तो एक अहम जौहर है, एक आप अच्छे इंसान हैं। ठीक है, नमाज और रोज़ा मुकर्रर औकात में करने चाहिए, जो उसके टाइम है उस टाइम के अंदर आपको ये सारी चीज़ें करनी है मुकर्रर औकात में, जो इसके टाइम टेबल है, जो इसके टाइम बांध दिए गए हैं, उस टाइम के बाद आप नहीं कर सकते, उसी टाइम के अंदर अंदर इन चीज़ों को करना है, उसी वक्त के अंदर करना है। हज करना अगर दौलत हो, ठीक है, गरीबों की मदद करना, ये सारी बातें हैं, पर बुनियादी चीज़ें यही है, ये आप लिख देंगे इंशाल्लाह नंबर मिल जाएंगे। अगला सवाल है, सवाल नंबर 3, कुरून वस्ती के अहद, यानी जो कुरून वस्ती का अहद है, कुरून वस्ती अहद कहते किसे हैं, सबसे पहले आप इसे समझिए, अहद कदीम, कुरून वस्ती किसे कहते हैं, अहद कदीम। ठीक है, अहद कदीम की हिंदुस्तानी मईशत की अहम खसूसियात क्या है, या ये भी आ सकता है, वजाहत करें मुगल के दौर में महसूल और वसूल करने का क्या इंतज़ाम था, क्या रूल्स थे जिनके ज़रिए जो है वो वसूल करते थे। तो इसका जवाब है, मुगलिया सल्तनत में ख़ास तौर पे अकबर के दौर में महसूल वसूल करने के तरीके कार में दौर में तब्दीलियाँ आईं। क्या तब्दीलियाँ आईं, क्या चेंजेस आए, वो ये हैं, रियासत और ज़मींदार तबके जैसे किसानों या जागीरदारों के साथ कोई मनमानी रिश्ता नहीं रहा, ज़मीन की जरखेज़ी को भी मद्देनज़र रखा गया। इसके बाद उस वक्त की मार्केट की कीमत की बुनियाद पर रियासत के हिस्से की नकद कीमत की हिसाब लगाया जाता था, इसके मुताबिक आमदनी नकद की शक्ल में मुकर्रर की गई। ये ज़राअत कमर्शियल
का दौर था, यानी पहले तो पैसे की नहीं होती थी, लेकिन इसकी वजह से कमर्शलाइजेशन हो गई, बिजनेस बन गई, और रियासत ने नगद फसलों को फ़रोग दिया कैश में। रियासत ने इन इलाकों में काश्तकारी को भी फ़रोग दिया जहाँ उस वक्त तक कोई काश्तकारी या जंगलात नहीं थे। तो ये सारी बातें जो है उस टाइम पे रूनुमा हुई, ठीक है। तो ये सारी बातें आप इसे लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं। अब है मुगलों की आमद के बाद हिंदुस्तान में जो तब्दीलियां आई उनकी वजाहत करें। मुगलों के आने वजह से भाई आप कोई कहीं से आता है तो उसके आने से भी कुछ चेंजेस आती हैं, कुछ बदलाव आता है, वो अपने साथ वहाँ का समाज लेके आता है। कोई आपके घर मेहमान आ जाए 10-15 दिन के लिए, जो उसके अंदर चीज़ होती हैं, अगर अच्छी चीज़ लगती है तो आप उसे अपना लेते हैं। तो ऐसे ही जब मुग़ल हिंदुस्तान में आए तो जो तब्दीलियाँ आई उनके आने से वो क्या थी, वो क्या चीज़ थी, वो आपको बताना। तो मुग़लों की आमद ने एक नए दौर का आगाज़ कर दिया, एक नया दौर आ गया बिल्कुल। सियासी और सकाफती सतह पर सखावत, रवादारी और इत्तेहाद का जज्बा परवान चढ़ा, क्योंकि बहुत सखी लोग थे, बहुत देने वाले थे। रवादारी इत्तेहाद बढ़ गया। हिंदुस्तान में मुस्लिम फन की सरपरस्ती के आर्ट के मुख्तलिफ इसनाफ में नजर आती थी हर जगह। और अगला इसी के अंदर है पॉइंट कि फन तामीर, मुसविरी, अदबी फनून, मजहबी माहौल में हमानगी का एहसास होता था। सब मजहब मिलजुल के रहते थे। फन तामीर, बिल्डिंगें एक से एक तामीर की गई। आप इसकी मिसाल लाल किला, जामा मस्जिद, ताजमहल, हिमायू टॉम और पता नहीं क्या क्या, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसकी। अब है कुरून वस्ती यानी अहद कदीम के मजहबी तहरीक पर रोशनी डाले। उस वक्त मजहबी तहरीक की क्या नौयत थी, किस तरह की थी, क्या निज़ाम था, उन सारी बातों को यहाँ पे मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूँगा, बताऊँगा। जो तब्दीली आए खास तब पहली है भक्ति तहरीक की लहर ने अवाम के जहनों में भगवान की अकीदत और तज़किया नफ्स का पैगाम दिया। भक्ति तहरीक के जरिए क्या हुआ, लोग दीन की तरफ आ गए, चाहे वो हिंदू अपने धर्म की तरफ आ गए, मुसलमान थे वो अपने धर्म की तरफ आ गए, ठीक है। तो इसके बाद जो है लोगों के दिलों में मजहबी अकीदत का बहुत ज़्यादा तज़किया नफ्स यानी अपने नफ्स का इलाज करना, अपने नफ्स की यानी अपनी ख्वाहिशात को ऊपर लात मार दबा देना उन्हें, ये जोर शुरू हो गया। यानी लोगों में एहसास हुआ कि सबसे बड़ा दुश्मन तो नफ्स है, नफ्स बुरी चीज़ है और ज़मीर अच्छी चीज़ है, नफ्स पे दबाना है, ज़मीर की सुननी है। तहरीक ने इबादत अकीदत के ज़रिए खुदा तक पहुंचने का रास्ता तजवीज़ कर दिया, बता दिया लोगों के खुदा तक कैसे पहुंचना। इस तहरीक ने इसने रसूमात और कुर्बानियों के बजाय पाकिजगी और अकीदत पर जोर दिया। जो रसूमात थी उनका बायकाट करा कि ये गलत है, इसका कोई तसव्वुर ही नहीं है, ये हम बना रहे हैं। और अकीदत और पाकी उन्होंने ज़ात पात के निज़ाम और ब्राह्मणों के हकूक़ को निशाना बनाया, ज़ात पात को ख़त्म करा, ठीक है। ये तहरीक बहुत ज़बरदस्त, रामानंद, कबीरदास, रविदास, बेराई, गुरु नानक वगैरह जैसे संतों और महात्माओं का आवाम पर असर था, सब लोगों का आवाम पे गहरा असर था। अब अगला सवाल है जागीरदारा निज़ाम किसे कहते हैं, आखिरी सवाल है, इम्पोर्टेंट सवाल है। देखिए जागीरदारा निज़ाम रूस और जर्मन माशरे की इत्तिहाद से एक नया इदारा जागीरदारी वजूद में आई, ठीक है। रूस और जर्मन ये सियासी, सामाजिक और इकतसादी तंजीम का एक ऐसा निज़ाम था जिससे यूरोप के कुरून वस्ती यानी कदीम अहद, कुरून वस्ती को आप लिख दीजिए कदीम अहद, ठीक है, की खसूसियात की गई। ताकतवर जर्मन जंगी सरदारों ने रियासत की ताकत पर कब्जा कर लिया। रियासत ने इन्हें सियासी और अदालती इख्तियार सौंपे। सियासी गलबे की एक दर्जा बंदी की तंजीम बनाई गई और इस तरह ये उस टाइम का जागीरदारा निज़ाम था जिसमें ताकत के बलबूते पे जागीरदारों ने जो है कहते हैं ना भाई तेरी जागीर है, ये सारी बातें थी। आगे भी इसके पॉइंट है। इस तंजीम का सरबरा बादशाह था, बादशाह जो था वो इस तंजीम का सरबरा था। उसके नीचे बड़े बड़े जागीरदार थे जिन्हें ढोक और अरल कहा जाता था। उनके नीचे चौकीदार जागीरदारों का बैरन कहा जाता था। तमाम इख्तियारात बादशाह के हाथ में मरकूज थे, यानी हेड जो था वो बादशाह ही था इनका भी। उसने इन सबको क्या कर रखा था, अपने अंडर में कर रखा था।
तो ये आपके जागीरदारा निज़ाम समझ में आ गया होगा, उम्मीद है वीडियो भी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। NIS से रिलेटेड असाइनमेंट, प्रैक्टिकल गाइड, ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी PDF की शक्ल में, सॉफ्ट कॉपी में भी, हार्ड कॉपी में भी। आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन के शुरू में मेरा मोबाइल नंबर पड़ा हुआ है, व्हाट्सअप कर सकते हैं, जान सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।